है केतली, एक ड्रम चाय वाली केतली। तो देखते हैं क्या आता है। एक ड्रम इसे सेलेक्ट किया है तो केतली आ गई और मैं विन द टास्क और हम बैटिंग करेंगे सामने सामने। ये हमारे साथ आज मासी बख्ता भी जा रही है सामने सामने। तो मासी बख्ता साहब किधर जा रही हैं? बस जी जुम्मतुल मुबारक अदा करने जा रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से सबको जुम्मतुल मुबारक। शाबाश, बॉडी आपकी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नजर ना लगे। रमजान मुबारक, जुम्मा मुबारक। आज रमजान का दूसरा जुम्मा है और कितना रोजा है जी? नौवा रोजा है सामने सामने। तो ये हम तैयार होके अभी जुम्मे की तरफ जा रहे हैं सामने सामने। तो ये कैसे रोजे गुजर रहे हैं आप दोनों के? मौसम तक होना पर मौसम कैसा मौसम है? चलते हैं जुम्मे की तरफ। तो आए मेरे पीछे पीछे लेन बनाए सामने सामने। बहुत प्यारा मौसम है, आप बादल देख सकते हैं सामने सामने। तो ये हमारी मस्जिद है जिसका नाम है जामिया मस्जिद कुबा, मोड़ा वैंस की मस्जिद है सामने सामने। तो हम तीन जने जा रहे हैं सामने सामने। चलो चलो इधर का तकने हो, जान दो जान दो। ये हमारे साथ आज मासी बख्ता भी जा रही है सामने सामने। तो मासी बख्ता साहब किधर जा रही हैं? बस जी जुम्मतुल मुबारक अदा करने जा रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से सबको जुम्मतुल मुबारक। ठीक है जी, ठीक है जी। मासी बख्ता आज बहुत जोश में है, बहुत पीटे चिट्टा जोड़ा लाया हुआ है सामने सामने। तो साथ में ये शाहजेब खान ज्यादा भी जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं जामे मस्जिद कुबा। मुझे सबसे ज्यादा मुझ पे मुस्कुराहट के पहाड़ टूटा करते थे, लेकिन जब मैं खदीजा के पास जाया करता था मुझे तसल्ली हो जाया करती। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुम्मा मुबारक पढ़ लिया है सामने सामने। तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं। रात को बारिश हुई है, पानी बहुत है सामने सामने। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। जी राजा कब साहब आ रहे हैं तो पूछते हैं जुम्मा कैसा रहा आपका? बहुत प्यारा जुम्मा रहा। अच्छा जी, तो रमजान कैसा जा रहा है? बहुत प्यारा। तो ये दूसरे भाई हैं और ये सामने सामने हमजा साहब हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, ये मशहूर शख्सियत हैं। ये तो अब मासी बख्ता के नाम से मशहूर हो चुकी हैं सामने सामने। ये मासी बख्ता, ये शायद उतारते हुए भी आपने इसकी वीडियो देखी होगी सामने सामने मासी बख्ता की। तो ये साकब साहब किधर गए हैं सामने सामने? ये देखें, ये साकब साहब हैं। तो आप कैसा जुमा गुजरा है? कैसा आप साकब साहब मेरे साथ है तो पूछते हैं कैसा रमजान जा रहा है? रमजान बहुत तेजी से जा रहा है सामने 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 सामने। ठीक है ठीक है। तो ये एक और शख्सियत है जी इस इलाके की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या रमजान ना क्या पैगाम है? रमजान कैसा जा रहा है? रमजान अल्लाह का शुक्र असना गुजरा, मैं ठंडा रमजान जाना भी कोई पता नहीं लगा। शायद फरीदी जा रहा है और इसने ऐसा बल्ला उठाया हुआ है जिसमें ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है सामने सामने। तो पीछे आ रहे हैं हमारे एक टीम के दूसरे कप्तान, एक कप्तान मैं हूँ, दूसरे के कप्तान है राजा शाहजेब। और ये भी मैच होगा तो आप लिखेंगे व्लॉग। ओ वाह व्हाट अ शो, ये बड़ा अच्छा चौड़ा लगाया हुआ है, ये तो पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेयर है। ये देखो पाकिस्तान का परचम लगाया हुआ है, वाह शाबाश। बॉडी आपकी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नजर ना लगे। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी आप देखेंगे मुकाबला, मेरा मुकाबला होगा शाहजेब के साथ, कैसे आज देखते हैं। ये है मेरे मुखालिफ टीम का कप्तान, इसको हम छोड़ेंगे नहीं आज। है सामने सामने और ये बाउंड्रियां लगी हुई हैं। तो ये प्लेयर भी आ चुके हैं सामने सामने। तो वो दूसरे कप्तान काले कपड़ों वाले आ रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं, पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ आज सलूक। ये हमारा मुखालिफ टीम का खिलाड़ी है जी राजा अकब साहब, और ये हैं इस टीम के कप्तान। विटके भी लगा दिए टेरी मेरी, अल्लाह नज़रबाद से बचाए, आमीन आमीन। तो ये हैं जी हमारे अपने प्लेयर और आज हम डोन को अपने साथ रखेंगे सामने सामने। टिड्डा जी भी हमारे आज मुहालफ में होगा, टिड्डा भी टिड्डी दिल का हमला होगा हम पे सामने सामने। पहले होगा हमारा टास्क। तो हमारे पास बहुत VIP कॉइन है, वो भी दुबई का कॉइन है सामने सामने। वो एक दिरहम है, ये दुबई का एक दिरहम माशाल्लाह। और दूसरे साइड पे कैमरा करो। अच्छा जी अभी हम ये देखें, ये से हम टास्क करेंगे एक दिरहम से। तो ये है केतली, एक दिरहम चाय वाली केतली। तो देखते हैं क्या आता है। एक दिरहम इसे सेलेक्ट किया है तो
केतली आ गई और मैं विंदा टास और हम बैटिंग करेंगे सामने सामने। हमारा लूला प्लेयर आगाज करेगा, लूला प्लेयर ट्राई प्ले बॉल जी, प्ले हो गई है सामने सामने और पहला ही इसने मारा है, शानदार। कुछ नहीं, भागो भागो भागो, ठीक है ठीक है। तो एक रन लग चुका है सामने सामने। डोंट क्यों भाग रहे हो, आउट हो जाओगे सामने सामने। तो ये जी शाहजेब साहब बहुत मेहनत में लगे हुए हैं सामने सामने। जो हमारा डाउन आउट हो चुका है, रन आउट हो चुका है, वैसे भाग रहा था सामने सामने। तो अभी हम अपन कप्तान खुद आ गया है बैटिंग पे, तो देखते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, हम अभी सिर्फ दो रन मारे हैं सामने सामने, तो अभी देखते हैं मैं कितने छक्के मारता हूँ सामने सामने। भी आउट हो चुका हूँ, डाउन भी आउट हो चुका है, मैंने सिर्फ एक छक्का लगाया है और एक रन लगाया है, 7 रन का इजाफा किया है बस सामने सामने। अब सारी उम्मीदें हमारी इस खिलाड़ी पे है, देखते हैं ये क्या करता है। तो जी इन्होंने बहुत ही प्यारी बॉलिंग की है सामने सामने, तो हमें 10 पे सारी टीम आउट कर दी है सामने सामने। तो अभी अल्लाह ही करे जीत जाएं, वरना हमें जीतने का कोई चांस नज़र नहीं आता, ये जीत चुके हैं एक तरह से। तो देखते हैं क्या करते हैं। और इनका सबसे पहला आया है राजा आकब, आया है स्टंप पे, और जनाब स्ट्राइक पे आया है राजा आकिब राज, स्ट्राइक पे आया है और नॉन स्ट्राइक पे है मोहम्मद शहजेब राजा सामने सामने। तो देखते हैं कि 11 रन बना सकते हैं, ये बहुत आसान टारगेट दिया है, क्या कहते हो 11 रन आसान है? मैंने कहा मेरे बाएं हाथ का खेल है इसे। जी जी, और आपके बाएं हाथ में बहुत प्यारी चेन भी पड़ी हुई है माशाल्लाह, ये तो ये वही चेन है जो चेन खिलाड़ियों में से निकलती है। नहीं नहीं, ये मैं इंग्लैंड से लगाई हुई है। और नहीं यार, मैंने एक बार चेन खरीदी थी इंग्लैंड से, मेरे लिए आई है। चलो देखते हैं जी इनके बाएं हाथ का कमाल है, तो देखते हैं जी क्या होता है। मोहम्मद आकब साहब ने 2 1 चौका मारा है और 1 छक्का मारा है, 10 रन बना लिए हैं सामने सामने। अब इसको मैच दे दिया है जी, अब प्लस पहला मैच जीत चुके हैं सीरीज का जी। अब जी देखते हैं जी दूसरा मैच स्टार्ट होने लगा है, हम बॉलिंग करेंगे सामने सामने। उनकी टीम टारगेट देने में मसरूफ है, एक खिलाड़ी हमने आउट कर दिया राजा कप को, अभी 14 रन हो चुके हैं दूसरे मैच में, 14 रन, देखते हैं कितना विन देते हैं हमें। तो हमें शाहजेब की टीम ने 31 रन का दूसरे मैच में टारगेट दिया है, तो देखते हैं। अभी मैं आ गया हूँ बैटिंग पे, एक हार चुके हैं, अब दूसरा मैच देखते हैं कौन जीतता है। उन्होंने 31 रन का विन दिया था, तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, कह रहे किसी को डॉन भी इधर नहीं आया, मैंने अकेले ही सारे रन बना दिए सामने सामने। अब चलते हैं देखते हैं तीसरे मैच भी क्या होता है, हमारी पहले बैटिंग है अब। तो ये तीसरे मैच में ये दोनों 0 पे आउट हो चुके थे सामने सामने, तो मैंने अकेले में 53 रन बना लिए हैं, 50 मार दी है सामने सामने, तो बहुत बड़ा टारगेट दे रहे हैं जी। अब मैंने अकेले 78 रन मारा है, 78, तो 79 टारगेट है, मैंने 0 मारा और ये इसने भी 0 मारा सामने सामने। चलो देखते हैं कि वो ये एक कम 80 बना सकते हैं या नहीं सामने सामने। चलो जी 17 रन पे ये सारी टीम आउट हो चुकी है, आकब शाहजेब और सैम, तो हम जीत चुके हैं, 80 विन दिया हुआ था, तो ये 17 पे सारी टीम ढेर हो चुकी है। अब 2 मैच हम जीत चुके हैं और एक वो जीते हैं, ज्यादा हम जीत चुके हैं सामने सामने। तो अभी बारिश भी शुरू हो गई है, देखते हैं अगले मैच में क्या होता है, पहले हमारी बैटिंग है। अच्छा जी, चौथा मैच जो है वो हमने ओवर पे खेला है, अब आउट आउट नहीं खेला। तो चौथे मैच में जी हमने 34 रन का विन दिया है 3 ओवर, तो देखते हैं कि अब ये भी मैच हम जीतेंगे या वो जीतेंगे सामने सामने, ठीक है जी। कसी में गया है और इसकी जूती गुम गई है, 200 रुपए का जोड़ा गुमा दिया है सामने सामने, निकल बाहर लौड़ ना नबी की छिको जी, नबी आ गई जूती आ गई जी। चलो जी हमने तीसरा मैच भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत लिया है सामने सामने, तो तीसरा मैच भी हमने जीत लिया है। 34 रन का टारगेट दिया था 3 ओवरों में, जो कि इनके 2 ओवर में सिर्फ 10 रन मारे, तीसरा भी आउट हो गया है सामने सामने जी। मैच अभी थोड़ा सा डिले हो गया है बारिश की वजह से सामने सामने, और टोटल हमने 4 मैच खेल चुके हैं और शाहजेब ने 3 हार तस्लीम कर ली है, 1 ये जीता है, 3 हार गया है। बाकी हमारी टीम बहुत अच्छा खेला है, ये मेरी टीम का मेंबर है, हमने 3 मैच जीते हैं, इन्होंने 1 मैच जीता है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 मैच जीते थे, इन्होंने 1 मैच जीता था, और परसों हमने तीनों जीते थे। देव जी क्या खड़े हो, हार ना क्या रीजन था? हार नहीं, मैंने खिलाड़ी है ना खट्टू पे। अच्छा 15-20 व्हाइट साड़ियां, तो व्हाइट साड़ा फिर स्कोर बनना ही था सामने सामने, फिर मैं हार मन्नी के मैं व्हाइट साड़ियां सटरा पे सामने सामने, उन क्या ही सकने हैं। चलो जी एलूला खिलाड़ी है, अस्सलाम वालेकुम जी, मिकी राजा देव सामने आया, मैं तो बहुत बुला था था, तुम की व्हाइट बोला अब बस करो, मैं को आ गई मरमत्ता के लाड़े, ये तो मरू मिकी लाड़ा की मरमत्ता लाड़ाई अभी ब्लास्ट ही है जरा, उनमें दसो हारी गए आप तो ब्लेम साढ़े बने पे सब आख्या था, ड्रामे करने नहीं, पहले त्री थोड़ी बाला होनी नहीं तो कमाई कर सकते। गल तो हूं हो आखिरी मैच, पिछले 3 मैच व्हाइट थी ही कोई सी माता मस्त भी शर्ट मड़ी
मैं ये खिलाड़ी भी शामिल था, तो आप क्या कहते हैं? जब बेमौसमी कीड़ा छह कैच छोड़े हैं। अच्छा सारे कैच ऐसे ऐसे एक बार ऐसे नीचे फेंक दिया और तीन आउट भी और छपाना वाले ये डॉन साहब हमारी टीम में थे जो जीत चुकी है, तो क्या कहते हैं जी डॉन साहब, कैसा मैच रहा? अच्छा प्यारा मैच था। हाँ हाँ कभी सैम गिर जाता है, कभी स्क्लैन गिर जाता है, आप इसको बोल ना होने का शौक है, सर्दी में गिर गया है एक बार फिर जी सामने सामने। हमने कोशिश की मैच खेलने की पर बारिश फिर जुड़ गई है सामने सामने, तो ये देखें हमारे ग्राउंड की हालत सिज गया है सामने सामने जी। तो जी हम अभी छुप चुके हैं, ये एक बूटा मिला है इसके नीचे बने हुए हैं सामने सामने। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तीन मैच हम जीत चुके हैं, एक ये जीता है, हमने भी दो जीते हैं, दो एक जीता है, फाइनल हमने जीता है, आपने पूरा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं। क्या कहते हैं इस बारे में, मैं क्या कहूँ? तो ये कप्तान साहब भी हैं, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, फिर कभी मिलेंगे। तो तब तक हम सबको दीजिए ज्यादा छोटे मट्टू पट्टू पेंची शेंची सबको दीजिए ज्यादा, तब तक अगले फिलहाल में मिलते हैं, तब तक अल्लाह सोने वाला है। उन मैच खत्म हो गया, उन जुड़ो कराए सोई जाओ, चलो बिस्तर बढ़ो, बिस्तर बढ़ो, सर्दी है।